सड़क में खड़ा एक शख्स आ जाता है डंपर की चपेट में। जी हाँ, एक शख्स जब 4 नंबर के दरगाह रोड और 4 नंबर ब्रिज के इंटरसेक्शन में खड़ा था, वो सड़क में किसी वजह से रुका हुआ था, उसके पीछे ठीक है एक इलेक्ट्रिक बॉक्स था, एक हाई स्पीड डंपर आता है और उसको दबा देता है, इन दोनों के बीच में वो कुचल जाता है, चिप दबा दिया जाता है। आपको बताएं कि ये एक डंपर है जिसका एक्सल टूटा हुआ था, वो अचानक से कहीं से ऑल ऑफ अ सडन उसके सामने आ जाता है और आकर उसे दबा देता है, कमर के बाद का हिस्सा उसका पूरी तरह दबा हुआ रहता है। आपको बताएं ये हादसा पेश आया शाम को करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में। हालांकि ये जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ से कुछ 100 से 150 मीटर की दूरी में पाक सर्कस ट्रैफिक गार्ड और तोपसिया थाना है। उसके बावजूद उस शख्स को निकालने में करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लगा, और वो भी तब जब वहाँ खड़े लोगों ने वहाँ पे जा रहे एक हाईवा क्रेन को रोककर उसे निकालने की कोशिश की। जी हाँ, उस शख्स को साथ साथ अस्पताल में लेके जाया जाता है, उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है, बहुत खून का लॉस हुआ था और कमर का हिस्सा उसका पूरी तरह टूट गया। अब मेरे साथ वाले वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर नुकसान पहुंचा है उस शख्स को। आपको आगे बताएं कि आजकल कोलकाता में एक्सीडेंट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब से कुछ देर पहले ही हमने आपको एक खबर बताई थी एक्सीडेंट के, उसके बाद ये एक रिहायशी इलाके में जब सड़क पार करने के लिए ये शख्स खड़ा था और उसके पीछे ठीक एक इलेक्ट्रिक बॉक्स था, और वही उसकी बदकिस्मती रही कि एक डंपर स्पीड में आ रहा था और वो गाड़ी को नहीं रोक पाया, उसका एक्सल टूट गया था, और टूटने के बाद में उस इलेक्ट्रिक बॉक्स और डंपर के बीच में यह शख्स दबा हुआ रह जाता है। इस शख्स की उम्र 40 से 45 साल बताई जा रही है और फिलहाल इसकी कोई शिनाख्त नहीं की जा सकी है, वो होश में नहीं है वो शख्स। उसे इमीडिएटली वहां से उठाकर नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, और फिलहाल वो हॉस्पिटल में लॉस्ट है। Check it out.